नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनिंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले पूरे हफ्ते से आप और हम सब ये खबरें सुन रहे हैं कि ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के घर से करीब 50 करोड़ और 6 किलो सोना जब्त किया है। कांग्रेस के 3 विधायकों के घर से भी इसी तरीके से करीब करीब 5 लाख रुपए के साथ पश्चिम बंगाल में पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लिया। ईडी ने पात्राचाल घोटाले में संजय राउत के घर छापेमारी मारी। ये सब तमाम खबरें जो हैं ये आपको भी सोचने पे मजबूर करती होंगी कि आखिर आप और हम अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं, कितना सोना रख सकते हैं जो नियमानुसार सही है। तो सबसे पहले हम पैसे की बात करते हैं। कोई भी आम व्यक्ति, आप हम, जितना चाहे पैसा अपने घर में रख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन इन पैसों का सोर्स पक्का होना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में 5 करोड़ रुपए रखा हुआ है और जांच एजेंसी आपके घर में छापा मारती है। ऐसे में आपको अपनी आय और उससे जुड़े हुए सारे सबूत दिखाने पड़ेंगे। अगर जाँच में आपके घर से जब्त पैसे का हिसाब आप नहीं दे पाते तो आपको करीब 137% तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा 26 मई 2022 से देश में लागू होने वाले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस यानी CBDT के नए नियम के अकॉर्डिंग 1 साल के अंदर कोई व्यक्ति 20 लाख रुपए से ज़्यादा का लेन देन नहीं कर सकता। अब ये भी जान लीजिए कि सोना किस तरीके से और कितना रख सकते हैं आप। पैसे की तरह से ही सोना भी जो है बहुत अहम है। आप कितना रख सकते हैं, आप सोना जितना चाहे रख सकते हैं। बस ध्यान ये रखने की बात है कि आपके घर में जो सोना है वो पक्का हो। पक्के से यहाँ भाव ये है कि आपके घर में जो भी सोना रखा हुआ है उसका प्रूफ होना चाहिए, यानी कि उसके डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। जाँच एजेंसी आपके घर से ज़्यादा मात्रा में सोना जब्त कर सकती है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 32 के तहत आईटी अधिकारियों के पास ये अधिकार है कि वह आपसे उसके सोर्स के बारे में जानकारी मांगे। इसके तहत ज़्यादातर में तीन तरह के कागज़ दिखाने होते हैं। पहला, आपने सोना खरीदा है तो इससे जुड़े क्या कागजात हैं आपके पास। दूसरा, सोना परिवार से मिला है तो फैमिली सेटलमेंट से जुड़े कागजात दिखाने पड़ते हैं। आपको गिफ्ट में सोना मिला है तो उससे जुड़े हुए भी आपको डीड जो होती है वो दिखानी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद देश में कोई भी व्यक्ति अपने पास कितनी मात्रा में सोना रख सकता है, इसके लिए गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968 बनाया गया था। घर में तय मात्रा से ज़्यादा सोना रखने पर इसे कानून के जरिए नियंत्रित किया गया था और 1990 के बाद इस कानून को ख़त्म कर दिया गया और लोगों को वैलिड सोर्स बता करके अनलिमिटेड सोना रखने का अधिकार मिल गया। अच्छा, भारतीय समाज में शादी ब्याह छोड़ भी दीजिए, हर मौके पे सोना खरीदने की परंपरा है। ऐसे में सरकार ने कागज़ या प्रूफ नहीं होने पर भी तय मात्रा में सोना रखने की छूट दी है। तो आप ये जान लीजिए कि किस नियम के तहत आप कितना सोना रख सकते हैं। देखिए, विवाहिता जो महिला है, जो मैरिड महिला है, वो करीब करीब 500 ग्राम सोना रख सकती है। 500 ग्राम बोले तो आधा किलो बहुत होता है। और अगर अनमैरिड महिला सोना रख सकती है तो वो करीब 250 ग्राम सोना रख सकती है। इसी तरीके से विवाहित पुरुष 100 ग्राम तक सोना रख सकते हैं और अविवाहित पुरुष जो है वो 100 ग्राम तक सोना रख सकते हैं। यानी कि अनमैरिड और मैरिड दोनों पुरुष जो सोना रख सकते हैं उसकी क्वांटिटी लगभग एक जैसी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट और ईडी तीनों जांच एजेंसियों को अवैध, बेनामी या गैर कानूनी सोना, संपत्ति या पैसे को अलग अलग कानून के तहत जब्त करने का पूरा अधिकार है। अगर ईडी की मैं बात करूं तो उसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी कि PMLA 2002 के तहत अवैध या बेनामी संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। कस्टम डिपार्टमेंट का मामला है तो कस्टम एक्ट के तहत
तस्करी से अर्जित या संपत्ति जब्त करने का हक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो उसे इनकम टैक्स के एक्ट के तहत संपत्ति जब्त करने का अधिकार होता है। अब एक चीज़ और आप जान लीजिए, अगर आपके घर में गलत पैसा या सोना पकड़ा जाता है जिसका प्रूफ आपके पास नहीं है, तो ऐसे मामलों में आपके खिलाफ किस किस कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है? सबसे पहले जब्त की गई नकदी या सोने आदि का पंचनामा मनाया जाता है। पंचनामे में इस बात का जिक्र होता है कि कुल कितने पैसे बरामद हुए हैं, कितनी गड्डियां हैं, 200 के कितनी गड्डियां हैं, 500 के कितने नोट हैं, वगैरह वगैरह। जब्त किए गए कैश में अगर नोट पर किसी तरह के निशान हैं तो वो भी लिखा जाता है, पहचान के तौर पर एजेंसी उसे अपने पास रख लेती है, जिससे कि इसे बतौर सबूत कोर्ट में पेश किया जा सके। जब्त की गई नकदी की यदि सबूत के तौर पर जरूरत नहीं हो तो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बाद उन पैसों को बैंक में जमा करा दिया जाता है। जांच एजेंसियां जब्त किए गए पैसों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार के खाते में जमा करा देती हैं। और साक्ष्य के लिहाज से अहम पैसों को जांच एजेंसियां इंटरनल ऑर्डर के से केस की सुनवाई पूरी होने तक अपनी कस्टडी में रखती हैं। इस तरह से प्रूफ नहीं दिखा पाने पर जांच एजेंसी जो सोना जब्त करती है, सबसे पहले उसका पंचनामा बनाया जाता है, इसके बाद विभागीय कस्टडी या सरकारी माल खाने में इसे जमा कराया जाता है। PMLA एक्ट 2002 को 2005 में पूरे देश में लागू किया गया था। इस कानून में अब तक 3 बार संशोधन किए गए हैं। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है। यही नहीं, इस कानून के तहत एजेंसियां आरोपियों की संपत्तियों को कुर्क करके जब्त कर सकती है। और फेमा कानून के तहत दोषी पाए जाने पर कुछ मामलों में 5 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। इसके अलावा जितनी अवैध संपत्ति पाई जाती है उसका 3 गुना तक जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आय से ज़्यादा संपत्ति जब्त किए जाने पर दोषियों को 4 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। अब आपके सामने इन दिनों जो हॉट केसेस हैं वो है अर्पिता का, वो है पार्थ मुखर्जी का और वो है संजय राउत का, जिनके यहाँ छापेमारी चल रही है। और ये छापेमारी कहीं रुकने वाली नहीं है, ये लगातार ऐसे ही चलती रहेगी। इसीलिए जो आम इंसान है, जो आम आदमी है, जो मेहनत करके पैसे का अर्जन कर रहा है, उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कितना पैसा घर में रखे। जो मैंने आपको बताया वो कितना सोना रखे अपने घर में, वो भी मैंने आपको बताया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो ब्याहता महिला है, जो मैरिड महिला है, वो करीब करीब 0.5 किलो सोना अपने पास रख सकती है। 0.5 किलो सोना, 100 ग्राम उसके हस्बैंड का सोना, अगर उसके पास एक लड़की है तो 250 ग्राम उसका सोना, अगर उसके 2 बेटे हैं तो 100 ग्राम उनका सोना। तो 250 ग्राम प्लस 300 ग्राम, ये हो गया आपका करीब 0.5 किलो से ज़्यादा। और 0.5 किलो सोना वो ब्याहता महिला का, तो करीब करीब 1 किलो सोना एक नॉर्मल परिवार में रखा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कंटेंट कैसा लगा आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलती हूँ जल्दी किसी और कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।